बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी शाही टुकड़े। आमतौर पर शाही टुकड़े की जो रेसिपी होती है उसमें ब्रेड के पीसेस को फ्राई किया जाता है, लेकिन आज हम इसे फ्राई किए बगैर ही रेडी करेंगे और 15 मिनट के अंदर हम इसे रेडी करेंगे इंशाल्लाह। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दूध लेंगे, ये बॉयल किया हुआ मिल्क है। अगर आप कच्चा दूध ले रहे हैं तो आपने उसे अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है, ठीक है। और ये तकरीबन 1.5 किलो दूध है। और जैसे ही दूध गर्म होगा हम इसमें इलायची ऐड करेंगे। इलायची को मैंने पीस लिया है और इसके छिलके अलग कर लिए हैं। सिर्फ इसका जो पाउडर है वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब दरमियानी आँच पर दूध को उबाल आने देंगे। साथ ही दूसरे चूल्हे पे मैं कंडेंस्ड मिल्क को रेडी कर रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, इसका लिंक मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर हम चीनी की बजाय इसमें कंडेंस्ड मिल्क को यूज़ करें तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं कंडेंस्ड मिल्क की बजाय। आप देख सकते हैं दूध में बहुत अच्छे से उबाल आ रहा है। इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट दरमियानी आँच पे हमने ऐसे ही पकाना है। कंडेंस्ड मिल्क हमारा रेडी हो चुका था। अब दूसरे चूल्हे पे हम शीरा रेडी करेंगे टुकड़ों के लिए। तो उसके लिए मैंने आधा कप चीनी ली है। इसमें ऐड करेंगे पानी, ये 1 कप है, और उसके बाद मैं आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कप इसमें पानी ऐड करूँगी, ठीक है। अब चूल्हे को ऑन कर देंगे और इसे हमने शीरा पका के रेडी नहीं करना है, बल्कि इसे जस्ट इतना ही पकाएंगे कि चीनी इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। जब चीनी का दाना अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो जस्ट 1 से 2 बाल इसमें आने देंगे और चूल्हे की आँच को बंद कर देंगे। अब इसमें खुशबू के लिए रूह केवड़ा ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अरके गुलाब भी ऐड कर सकते हैं, उसकी खुशबू भी इसमें बहुत अच्छी आती है। जस्ट 3 से 4 ड्रॉप्स मैंने इसके ऐड किए हैं इसमें, और ये हमने चूल्हा बंद करने के बाद ऐड करने हैं। अगर आप चूल्हा ऑन करते हुए इसे ऐड करेंगे तो इसमें थोड़ी सी करवाहट पैदा हो जाएगी। शाही टुकड़ों के लिए जो रबड़ी दूध हम रेडी करें, अल्हम्दुलिल्लाह वो पक पक के काफ़ी कम हो चुका है, इसमें थोड़ी सी थिकनेस भी आ चुकी है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसी पॉइंट पे हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे। ये क्योंकि मैंने फ्रिज में नहीं रखा इसलिए आपको ये थोड़ा सा पतला लग रहा है। अगर हम इसे फ्रिज में रखेंगे तो इसमें काफ़ी थिकनेस आ जाती है। अगर आप चीनी इसमें ऐड करते हैं तो इसका टेस्ट अलग बनेगा, अगर आप कंडेंस्ड मिल्क इसमें ऐड करेंगे तो उसका टेस्ट अलग बनेगा। इसलिए जो चीज़ भी हम इसमें ऐड करते हैं उसकी रीज़न होती है कोई ना कोई। अब इसे हम 1 उबाल आने देंगे, उसके बाद हम इसे टेस्ट करेंगे। अगर आपको इसमें मीठा कम लगे तो आप इसमें मज़ीद चीनी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 कप घर का बना हुआ कंडेंस मिल्क ऐड किया है। अगर आप बाज़ार से ख़रीद रहे हैं केन तो वो पूरी केन 1 जाएगी। अच्छा, कुछ लोग रबड़ी को गाढ़ा करने के लिए इसमें कॉर्न फ्लोर ऐड कर देते हैं, लेकिन मैं वो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि उसकी वजह से ये शाही टुकड़ों के अंदर तक अच्छी तरह से जज़ब नहीं होता है और उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग रहता है। अगर आप इस तरह से रबड़ी बना के शाही टुकड़ों पे ऐड करेंगे तो वो अंदर तक जज़ब हो जाएंगे और इसका टेस्ट बहुत ही इनहेंस होगा इंशाल्लाह। अब इसको मज़ीद टेस्टी करने के लिए मैंने इसमें बारीक बारीक कटे हुए पिस्ते और बादाम ऐड किए हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसको 1 से 2 उबाल आने देंगे और उसके बाद चूल्हे की आँच को बंद कर देंगे। अब मैंने ब्रेड के 6 पीसेस लिए हैं, उसके कॉर्नर्स को इस तरह से हम रिमूव कर लेंगे और आपने इसे जो भी शेप देनी है उस हिसाब से आपने इसे कट लगा लेना है। ब्रेड हमारी रेडी है बिल्कुल शाही टुकड़ों के लिए। आपने ये जो कॉर्नर्स हैं इनको फेंकना नहीं है, इसके ब्रेड क्रम्स बन सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ और 2-3 तरीकों से शेयर कर चुकी हूँ। बाज लोग इसे डीप फ्राई करते हैं, वो अपनी जगह ठीक है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैं इसे शैलो फ्राई करूँगी। उसके लिए मैं इसमें देसी घी लूँगी, और ये क्योंकि गाय का देसी घी है इसलिए आपको इसका कलर काफ़ी येलो नज़र आ रहा है। आप चाहें तो घी की बजाय ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पैन में जितनी आसानी से जगह बन सकती है पीसेस की उतने ही पीसेस इसमें ऐड करेंगे और इसे दरमियानी आंच पे शैलो फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं एक साइड से इसने घी को जज़ब कर लिया है, तो अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो इसमें हम घी मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। देसी घी की वजह से इसमें टेस्ट और खुशबू दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा, कुछ लोग ज़्यादा डार्क कलर पसंद करते हैं शाही टुकड़ों के लिए और कुछ लोग लाइट कलर पसंद करते हैं, तो आपने अपनी ज़रूरत पसंद और मर्ज़ी के मुताबिक इसको अच्छा सा कलर देना है। और इस सारे प्रोसेस में आपको मुश्किल से 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आ चुका है दोनों तरफ से इनका। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस ये रेडी हैं बिल्कुल असेंबलिंग के लिए। अब यहाँ पे शुगर सिरप, अगर आपका ठंडा हो चुका है तो आपने इसे नीम गर्म कर लेना है। ना तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ये बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ब्रेड के पीसेस जाते ही एक्स्ट्रा नरम हो जाएंगे, और अगर ये ठंडा होगा तो शुगर सिरप इसमें अच्छी तरह से जज़ब नहीं होने पाएगा, ठीक है। अब इस तरह से 1 बाय 1 हम इसे उठाते जाएंगे।
अच्छी तरह से इसको हम शुगर सिरप में डिप करेंगे और डिश आउट करते जाएंगे। और आपने मेक श्योर करना है कि इसे आपने अच्छी तरह से अंदर तक इसमें डिप करना है, उसके बाद इसे रिमूव करना है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम पीसेस हमने शुगर सिरप में डाल के बाहर निकाल लिए हैं और इसे डिश आउट कर दिया है। अब हम इसमें रबड़ी मिल्क ऐड करेंगे। गार्निश के लिए हम इस पे बादाम ऐड करेंगे और पिस्ते ऐड करेंगे। आपको जो ड्राई फ्रूट भी अच्छे लगते हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये ब्रेड के टुकड़े दूध को या रबड़ी को अपने अंदर जज़ब करते जाएंगे, इसलिए जो रबड़ी दूध बचेगा उसे ठंडा करने के बाद जब आप इसे सर्व करेंगे शाही टुकड़ों को तो आप इस पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैंने इन्हें फ्रिज में रखा था और दूध अच्छा खासा इसमें जज़ब हो चुका है। अब अगर आप इसमें चाहते हैं तो रबड़ी मिल्क ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं तो आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। तो इसी पे आप इसे रेडी करें और आपका जो भी एक्सपीरियंस है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह आप सबका दस्तखा सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज्क अता फरमाए। अल्लाह हम सबके रिज्क में कसरत से ज्यादा बरकत अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जजाकअल्लाह, मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।